ये जो टॉपिक अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 99% एग्जामिनेशन में आएगा. व्हाट इज कैस गैवी? तो कैस गैवी जो है वो क्या है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो कैस गैवी एक जीन एडिटिंग थेरेपी है. पहला पॉइंट, जीन एडिटिंग थेरेपी. जीन क्या होते हैं? डीएनए के अंदर रहते हैं, राइट. जीन्स हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं, राइट. तो डीएनए में जीन्स रहते हैं. अब एक टेक्नोलॉजी जो है वो आज की डेट में एक आ चुकी है, जिसको हम लोग कैस्पर कैस नाइन टेक्नोलॉजी बोलते हैं. ये टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो क्या होता है, जैसे कि ये डीएनए आपको जो ये फोटो में जो यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये जैसे कि ये डीएनए है और इसका ये जीन है. तो एक जो खराब जीन जो होता है वो निकाल दिया जाता है और एक नया जीन जो है वो लगा दिया जाता है. जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये शब्द आपने सुना होगा, राइट. तो इसमें क्या होता है कि डीएनए के अंदर जो भी प्रॉब्लम होती है तो उसको रिजोल्व कर दिया जाता है और वो प्रॉब्लम परमानेंटली रिजोल्व हो जाती है. तो ये जो हम लोग को पहली चीज कैस गैवी जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है. वो पहली एक जीन एडिटिंग थेरेपी है. किसको ये ठीक करेगी? तो ये ठीक करेगी सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया को. ये रेड ब्लड डिसऑर्डर होता है, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसेमिया. इसमें ब्लड, जैसे आपको पता है कि रेड ब्लड सेल जो है वो हमारे पूरे ऑर्गन्स तक जो है वो क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेकर जाता है ना. ऑक्सीजन के फ्लो को जो है वो इंक्रीज करता है. अब इसमें थैलेसीमिया या सिकल सेल डिजीज, जिसको रेड ब्लड डिजीज भी हम लोग जो है वो कहते हैं, रेड ब्लड सेल डिजीज, आरबीसी डिजीज. तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि रेड ब्लड सेल का शेप जो होता है वो सिकल की तरह हो जाता है, चेन जो है वो जाता है, चांद टाइप के आकार का थोड़ा सा हो जाता है, राइट. तो रेड ब्लड सेल जो है वो खराब हो जाता है. तो अब ये एक इनहेरिटेड डिजीज है, यानी कि बोलते हैं कि पूर्वज से चली आ रही जो है वो बीमारी होती है, एनीमिया वगैरह की, राइट. खून की कमी वगैरह हम लोग जो है वो देखते हैं, उनका रेगुलर टाइम पर जो है वो थेरेपीज उनकी जो है वो चलती रहती है, बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है. तो अब ये बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी रिसर्च जो है वो सामने आ गई है कि कैस गैवी के थ्रू आप जेनेटिकली जो है वो ठीक कर सकते हो सिकल सेल डिजीज को. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिकल सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और इसका ट्रीटमेंट आ चुका है, इसलिए क्वेश्चन 100% है. 99.9% टेक्नोलॉजी आ गई तो आप कर सकते हो ना उस टेक्नोलॉजी का उपयोग. तो अब मैंने आपको बताया क्रिस्पर कैस नाइन एक जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, उसी की मदद से रही है कंडक्ट जो है वो किया जाएगा. अब देखो इसमें क्या किया जाता है, टारगेट किया जाता है BCL11A जीन को. तो ये जीन शायद यूपीएससी पूछ सकती है, बट फिर भी याद रखना थोड़ा सा. और एक ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज करना, फीटल हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को. फीटल यानी जो बच्चा जब होता है ना, फीटस इसको हम लोग जो है वो बोलते हैं, तो उसके हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को जो है वो इंक्रीज कर देना, जिससे कि पेन जो है वो, सीवियर पेन जो है वो रिड्यूस होगा और प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी. इसके फायदे हम लोग को जो है वो क्या, अच्छा फायदे नहीं, चैलेंजेस सबसे पहले. फायदे तो हम लोग को पता है कि ऑब्वियसली बात है, ठीक कर देगा सिकल सेल को. प्रॉब्लम सबसे बड़ी है महंगा, क्योंकि नई रिसर्च जो होती है वो काफी महंगी हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है. हाई पोटेंशियल कॉस्ट है और एस्टिमेट $2 million पर पेशेंट. 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, 2 मिलियन मतलब आप 20 लाख मान लो, ठीक है, और इंटू 80 कर लो आप, राइट. तो मतलब कितना हो गया, 20 लाख को 80 से जो है आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप 16 1 करोड़ 60 लाख, है ना, 1 करोड़ 60 लाख का ट्रीटमेंट होगा. सोचो आप इतना महंगा ट्रीटमेंट. अब आगे की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया मैंने आपको बता दिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिजीज है, यानी कि पूर्वज से मिली हुई एक खून की बीमारी है, और ये अफ्रीका, अरेबिया और इंडियन ओरिजिन के लोगों में आम तौर पर पाई जाती है, और ये हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करती है, राइट. सेकेंडली ये रेड ब्लड सेल को जो है वो डिसऑर्डर कर देती है, सिकल सेल शेप हो जाता है उसका, और ये ब्लॉक कर देती है ब्लड के फ्लो को और ऑक्सीजन के फ्लो को, राइट. तो बड़ी दिक्कत वाली कहानी है, पेन होता है इसमें, ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं, और आज की डेट में इसकी मेडिसिन चल रही है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट्स कुछ कुछ ओकेशनल तौर पर हम लोग को देखने को मिल जाते हैं. इंडिया के अंदर 30,000 से 40,000 बच्चे इस कंडीशन से बर्थ लेते हैं. सोचिए आप, इतनी खतरनाक बीमारी है ये, और ज्यादातर ट्राइबल एरियाज में. और ऑब्जेक्टिव सरकार का ये है नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन प्रोग्राम के थ्रू कि 2047 तक हम सिकल सेल एनीमिया को जो है वो खत्म करेंगे. तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है, ये वाला फैक्ट, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. इसमें ये काफी सारे प्रोग्राम चलाते हैं, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग करते हैं, यानी कि जांच करते हैं लोगों की, राइट, अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, काफी सारी चीजें कि नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है. बताइए आप क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सर इसका सी है, ये होगा. आप बोल रहे हैं इसका आंसर सी है कि प्राइमरी टारगेट कैस गैवी का सिकल सेल डिजीज और थैलेसेमिया के ट्रीटमेंट में क्या है. चलिए प्राइमरी टारगेट
ए इज द करेक्ट आंसर. टारगेट है BCL11A जीन, तो ये उसको टारगेट करता है. आपने जो सी बोला क्रिस्पर कैस 9, ये एक टेक्नोलॉजी है राइट, जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी. ये सीजर वाली टेक्नोलॉजी होती है, इसके अंदर वो डीएनए से जीन जो है वो निकाला जाता है, कट किया जाता है और रिपेयर करके उसको पेस्ट कर दिया जाता है. हाँ, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रहता है.